Bengal. Polling in 180 seats is over. The remaining 114 seats will go to polls over the next three phases. BJP's high-stakes campaign blitz is being led by one man's personal quest, Home Minister Amit Shah, a task he began as the BJP's youngest president. Minister Shah. It's the ultimate citadel for his ideological expansion. The BJP is presenting a canvas of narratives, from identity to social coalition to nationalism and to a failed chief minister. It's promising Shonar Bangla. Today, I'm on campaign trail with Home Minister Shah. Purbasthali Uttar, a constituency in Purb Bardhaman, 100 kilometers from Kolkata, goes to polls on 22nd April. Amit Shah is here to campaign for Gobardhan Das, a microbiologist at the Jawaharlal Nehru University. His speech of 45 minutes begins with a pledge for change, as Mr. Shah reminds the voters of several parts of Bengal he has traveled in the last few weeks and says change is imminent. दीदी की विदाई निश्चित है, मगर मैं चाहता हूं कि दीदी की विदाई में एक पूर्व स्थली का भी बड़ा योगदान हो। 200 कमल में एक कमल आप भी दीजिए। भेजो में भाई, जरा जोर से बोलो, भेजो में। The BJP has just three MLAs in the current Bengal Assembly. But it is Mr. Shah's relentless push for ideological expansion of the party that has built the momentum for the BJP in these elections. In the 2019 Lok Sabha polls, the BJP won 18 of 42 seats. Mr. Shah had termed the victory then as work in progress. Today, he's leaving no stone unturned to take the BJP past the finishing line. मित्रों, आप लोगों ने 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, 30 साल तक कम्युनिस्टों को मौका दिया, और 10 साल तक दिल्ली को मौका दिया। मुझे बताओ, बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दो, 5 साल में हम सोनार बांगला बनाकर आपको वापिस देंगे। At the third rally in Swarupnagar, a seat in Bangaon district with a significant Matua population, the Home Minister reaches out to the crucial women voters. भाई बेटी को पढ़ाते हो, हाई स्कूल में, कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में, आपको फीस देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है, बताओ बहनों, देनी पड़ती है ना? जरा जोर से बोलो, देनी पड़ती है ना? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, पूरे बंगाल में केजी से पीजी तक बच्चियों की पढ़ाई लिखाई मुफ्त सरकार की ओर से कर दी जाएगी। मैं आपको कहता हूं, 22 तारीख की सुबह 7 बजे वोट देने निकलो, दीदी का कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपको परेशान। 5 चरण हुए, दीदी के गुंडे कुछ नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए दीदी बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई है।
Home Minister Amit Shah's Mission Bengal began in 2016-2017 when he travelled to Naxal Bari. It was symbolic in many ways. Mr. Shah said then that he will be forming the government in 2021. Today he's fairly confident and he has had a long day on campaign trail, and before he begins his next round of organizational meetings, he has agreed to speak to us. Amit Shah ji, thank you so much for your time. 2017 में नक्सल बाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए, 2017 में नक्सल बाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बने। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में, कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर, उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। 2017 में आपने शुरुआत की, आज आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार बन रही है, किस वक्त आपको एहसास हुआ कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? देखिये, 2016 में भी यहाँ पर बंगाल की जनता ममता बनर्जी से खुश नहीं थी, मगर 2016 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पार्टी तभी अपनी आइडियोलॉजी, तभी अपने विचार और तभी अपना दावा आगे कर सकती है जब इसके पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैन बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। 19 में हम सफल हुए, 21 का लक्ष्य रखा था, 18 सीट जीते, 2-3 सीटें 10,000 से कम मार्जिन में हार गए। इसका कारण था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था और मोदी जी की लोकप्रियता थी। मोदी जी की लोकप्रियता को हमारे कार्यकर्ताओं ने एनकैश किया, मगर उस वक्त भी बंगाल की जनता के मन में एक शंका थी कि बीजेपी जीत पाएगी क्या। जिस वक्त हमारी 18 सीटें आई, वे शंका निर्मूल हो गई और धीरे 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 बंगाल की जनता बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हुई। और आज मैं मानता हूं कि यहां पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम 200 सीट तो प्राप्त करेंगे, सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी ह्यूज मार्जिन होंगे। आपने कहा है कि बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था, यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती, सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है, कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो ये सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टिकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े,
मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो, मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता, ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही त्राही है, सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है, सारे लोग घुसपैठ से परेशान है, और बहुत बड़ा तबका जो CAA से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है। तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टिकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। तो सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी है। यूपी के जीत के बाद आपने पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव भुवनेश्वर में किया था, आपने बोला था लुक ईस्ट होगा, भाजपा अब ईस्ट की तरफ देखेगी, जिसमें आपने बंगाल और उड़ीसा की तरफ देखना शुरू किया। उसी वक्त मिशन बंगाल तैयार हो चुका था जी। उसी वक्त हम तो ऑलरेडी 2016 से चुनाव हारने के तुरंत बाद का हमारा काम शुरू किया था, और भुवनेश्वर कार्यकारिणी में निर्णय भी हुआ था, मेरे अध्यक्षीय भाषण में ही मैंने कहा था कि हम उड़ीसा और बंगाल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उड़ीसा में 21 में से 9 सीट हम जीते हैं, यहाँ पर 42 में से 18 सीट जीते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अमित शाह जी, बंगाल में भद्र लोग जो हैं, जो इंटेलिजेंशिया है, वो नैरेटिव सेट करता है, और उनका भाजपा की तरफ ये बोला जाता है, ये पोलराइजेशन और डिविजन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। देखिए, ये प्रचार है एक प्रकार का। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, हर पार्टी अपने विचार व्यक्त करती है, अल्टीमेटली जनता तय करती है कि किसके साथ जाना है। मैं मानता हूं इस बार इस प्रचार का भी पर्दाफाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 17 राज्यों में सरकार है, कहीं पर दंगे नहीं हुए, कहीं पर पोलराइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सम विकास के साथ, सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लगभग पूरे देश को ये घर में बिजली दे दी, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हर व्यक्ति को, गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड दे दिया, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हर किसान को 6,000 रुपया भेजा तो मुस्लिम किसान को भी मिला है। ये प्रचार कोई कितनी भी त्वरा से करे, कितनी भी जोर से करे, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये नहीं है, इसलिए इसको तुल नहीं मिलेगा। आपने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ साल पहले। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री, स्वास्थ्यश्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर है उनके फेवर में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है। जब जब हिंसा होती है सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो समाज की महिलाएं होती है। जब जब गरीबी बढ़ती है सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है, और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है। 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है, 33% बंगाल में, जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहां पर आता है, 60 फुट नीचे पानी है। गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से, क्या बात कर रही है महिलाओं की। टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है, उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी है, और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी भेज रहे हैं। महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता, गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है, और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है, आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है, आज मेरे घर में टॉयलेट है मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है, और उसको ये भी मालूम है कि कल यहां भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी।
तो महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं की चिंता करी होती तो शायद ये दिन ना आता। भाई महिला मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि वो बाहरियों से घिरी हुई हैं। चलिए ये मुझे लगता है कोई एनजीओ ने उनको पकड़ा दिया है। एक बात मुझे बताइए मारिया जी, कि दीदी की ये बात को हम मान ले तो सुभाष बाबू गुजरात के लिए बाहरी है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर मध्य प्रदेश और बिहार के लिए बाहरी है क्या? श्री अरविंदो पांडिचेरी के लिए बाहरी है क्या? और प्रणव बाबू दिल्ली के लिए बाहरी है क्या? बंगालियों की सोच इतनी संकीर्ण, इतनी छोटी कभी नहीं रही। बंगाली विश्व का सोचने वाला नागरिक है और पूरे बंगाल को मालूम है कि मैं या नरेंद्र मोदी जी या हमारे कोई भी नेता यहाँ जो प्रचार करने आते हैं, बंगाल की जनता से बात करने आते हैं, वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना बनना चाहते हैं। बंगाल का व्यक्ति ही यहाँ चुनाव लड़ सकता है और वो ही मुख्यमंत्री बन सकता है। अब दीदी को ये बात पकड़ा दी है। यूपी में भी हमने कहते थे यूपी के दो लड़के और ये बाहरी। अल्टीमेटली इस तरह से चौंचले लंबे नहीं चलते हैं। मगर कुछ लोग जो होते हैं, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। आज मेरा रोड शो देखा होगा, दो रोड शो देखा, दोनों रोड शो में तीन तीन एम्बुलेंस आई। मेरे 32 रोड शो में तीन तीन एम्बुलेंस आई है। हर चुनाव के अगले दिन एक गलत लेटर भी प्रचारित हो जाता है। आरएसएस का कोई कार्यकर्ता मोदी जी को चिट्ठी लिखेगा या मुझे लिखेगा या नड्डा जी को लिखेगा कि बहुत खराब स्थिति है, हम हार रहे हैं वगैरह वगैरह, फर्जी लेटर होता है। मगर इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। ये क्लासरूम की FISY TY की पॉलिटिक्स है जो किसी ने ममता दीदी को पकड़ा दी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बैनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, तुष्टिकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है। और सीएए का तुष्टिकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है। ये तीनों चीजें एक मुस्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेट सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डाइवर्स है। जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं। जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इश्यू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है। इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा? मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे। एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। सर, ये भी कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं है, आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चले अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता। कल कोई व्हाट्सएप आएगा, रहा देखिए, हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे। परंतु मैं आपको बताता हूं, सारे इनके आकलन गलत होंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने बार बार ये बोला है अमित शाह जी ने कि 130 कार्यकर्ताओं की आपकी हत्या हुई है। एक पॉलिटिक्स और एक कल्चर ऑफ वायलेंस है बंगाल में, वो कल्चर ऑफ वायलेंस क्यों रहा इतने डेकेड्स तक? नहीं, ये तो मुझे क्यों पूछ रही है आप? ममता दीदी और कम्युनिस्टों को पूछिए, हम तो कभी थे ही नहीं। जो शासन में रहे इनकी जिम्मेदारी है। कल्चर ऑफ वायलेंस
बिहार में भी था, एनडीए की सरकार आई गया, यूपी में भी था, भाजपा की सरकार आई कल्चर ऑफ वायलेंस गया, 2014 के बाद यूपी में चौथा चुनाव हो रहा है पंचायत का, कोई वायलेंस नहीं है। ये सवाल तो आपको ममता दीदी को, कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को पूछना चाहिए कि कल्चर ऑफ वायलेंस क्यों आपने डेवलप करा, क्या हाइड करना था वायलेंस की आड़ में, क्या छुपाना था। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो शायद पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है, जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है कि इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं, कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है, जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं, ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तापित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही है। और 2011 में वो कहती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए। टीएमसी बोलती है वो टीएमसी वर्सेस टीएमसी बी टीम बन करके, कि उसे उन्हीं के बीच में चुनाव हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे टीएमसी के जो नेता हैं वो आपके पार्टी में ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में हमारे पार्टी में कई पार्टियों से लोग आते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का ना स्ट्रक्चर बदलता है, ना कल्चर बदलता है, ना वर्किंग स्टाइल बदलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चलती है, यूपी में भी आए, आसाम में भी आए, मणिपुर में भी आए, उत्तराखंड में भी आए, हिमाचल में भी आए, गुजरात में भी आए, इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति वही है, हमारी आइडियोलॉजी भी वही है और हमारी काम की पद्धति भी। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिये, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर कर रहे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है, तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना ना कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे सजेशन लिए, उन्होंने 1 दिन प्रचार का कटेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया, अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैंपेन चलेगा जैसे चल रहा है, और कुछ क्या आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंट्रोल करेंगे? हमने भी नंबर ऑफ पब्लिक मीटिंग काफी कम करी है। आखिरी सवाल आपसे, जय श्री राम जो स्लोगन है हमने काफी सुना आज चुनाव में, आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है, चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो,
या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठ या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो, इस सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए। किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है इससे हर्ट हुआ है, किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। तो 2 मई को अमित शाह के लिए वो पर्सनल अचीवमेंट होगा, क्योंकि जो आपने शुरुआत किया आपने पार्टी प्रेसिडेंट से और आप अचीव करेंगे। पर्सनल कुछ नहीं होता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर देश की इंच इंच जमीन पर जाना, और मेरा भी दायित्व तो है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को मोदी जी के नेतृत्व में देश की इंच इंच जमीन पर पहुंचाना। इसमें पर्सनल कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, हजारों कार्यकर्ताओं का, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का विजय होगा, 130 कार्यकर्ता के बलिदान का विजय होगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो परंपरा देश में चालू करी है इसका विजय होगा। अमित शाह जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद मर्या जी।